नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। तो आज हम शुरू करेंगे, टॉपिक है 11th क्लास का जो एक चैप्टर है हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन हमारा एक ऐसा तत्व है कि मेंडलीव ने अपनी टेबल में उसे दो जगह पर रखा है, यानी मेंडलीव के अनुसार हाइड्रोजन आवर्त सारणी के दो समूहों में, दो वर्गों में पाया जाता है। हम बात करें पहले तो हाइड्रोजन हमारा पहले फर्स्ट ए ग्रुप में ये पाया जाता है हमारा क्षार धातुओं के साथ। तो क्षार धातुओं कौन कौन सी होती हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। तो इन क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन को रखा गया है फर्स्ट ए ग्रुप में। हमारे देखेंगे हाइड्रोजन हमारा ये हाइड्रोजन है और हमारी क्षार धातु हैं Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और हमारा फ्रांसियम। क्या फ्रांसियम, यानी एटम नंबर की हम बात करें तो इसका 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87, यानी हाइड्रोजन के साथ ये 6 एलिमेंट हैं उन्हें रखा गया। यानी हाइड्रोजन इन छाइस इन सबको हम सामूहिक रूप से, यानी ये हमारे एलिमेंट हैं, इन्हें हम सामूहिक रूप से एल्कली मेटल या क्षार धातुएं कहते हैं। इसके अलावा हम देखें जो हाइड्रोजन हमारा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उन पी ब्लॉक के एलिमेंट में इसे 7th ग्रुप, इसमें 7th ग्रुप में इसमें भी हाइड्रोजन को रखा गया है। यानी इसमें हाइड्रोजन को रखा गया है इसके साथ, देखिए यहाँ पर मान लो ये हाइड्रोजन है और हमारे हेलोजन परिवार के तत्वों के साथ रखा गया है। यानी 7th वर्ग में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उन्हें हम हेलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। तो इस वर्ग में देखें कौन कौन से तत्व हैं हमारे, इसमें हमारा पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टरडीन। हम बात करें कि एटम नंबर की, तो आप हाइड्रोजन का 1 होता है, फ्लोरीन का 9, इसका 17, इसका 35 और इसका 53 और इसका 85। तो इस तरह से हमारे देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरडीन, ये सभी जो तत्व हैं वो हेलोजन परिवार के हैं। तो हाइड्रोजन को इन हेलोजन परिवार के तत्वों के साथ भी रखा गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की जो स्थिति है वह निश्चित नहीं है। यानी हाइड्रोजन हमारा ये नहीं कह सकते कि किस वर्ग में रखा गया है। हाइड्रोजन को फर्स्ट ए वर्ग में यानी क्षार धातुओं के साथ और 7th वर्ग में हेलोजन परिवार के साथ, इसलिए हमारा जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, आवारा तत्व। तो आप जानते हैं कि आवारा किसे कहा जाता है, जो कहीं पर भी पता ठिकाना नहीं हो रहा है उसका, कि पता नहीं कहाँ मिलेगा, वो तो आवारा है। तो इसी तरह हमारा हाइड्रोजन भी वो क्या है, आवारा है, क्योंकि इसे यहाँ पर भी पाया जा रहा है और इधर भी पाया जा रहा है, यानी 7th ग्रुप में। तो ये रही हमारी हाइड्रोजन की पोजीशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्या रीजन है कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसे इनके साथ भी रखा गया, यानी क्षार धातुओं के साथ भी रखा गया है, और इधर हेलोजन फैमिली है उसके साथ भी रखा गया है। तो आज हम इन पर चर्चा करेंगे जिससे कि हमारा हाइड्रोजन इन दोनों समूहों में क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ क्यों रखा गया है, यानी हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से क्या समानता है।
इस हाइड्रोजन की इन सभी जो तत्व हैं यानी एलिमेंट हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, इनसे क्या क्या सिमिलरिटी हैं, क्या समानता हैं। तो पहली बात हम देखें, यानी हम बात करें यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की क्षार धातुओं इसकी समानता। क्षार धातुओं से समानता देखें, हाइड्रोजन की क्षार धातुओं में समानता क्या है। पहली समानता हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं कि जो हमारा एटम है उसके न्यूक्लियस के चारों ओर जितनी भी कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो हम इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें, जैसे मान लो इस हाइड्रोजन का लिखें तो हाइड्रोजन का क्या हुआ 1s, इसका हुआ 1s1। अब हम लिखते हैं मान लो लिथियम का 3Li, इसका क्या है 1s2, 2s1। इसके बाद सोडियम का लिखें तो सोडियम का एटम नंबर 11 होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो यहाँ पे हम कॉन्क्लूजन निकल के आ रहा है कि जैसे हमारा हाइड्रोजन है उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन s कक्षक में प्रवेश कर रहा है और उस s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक उसी प्रकार जो हमारी क्षार धातु हैं, क्षार धातुओं के भी लास्ट में s कक्षक आ रहा है और उस s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यानी जैसे हमारे क्षार धातुएँ बिहेव कर रही हैं ठीक उसी तरह हाइड्रोजन भी बिहेव कर रहा है, ऐसे व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वे समानता रख रहे हैं। अब हम बात करें दूसरी बात, संयोजकता बैलेंसी। संयोजकता क्या होती है, इसको कहते हैं किसी भी कोई भी हमारा तत्व उसके परमाणु के अंतिम कोष में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, यानी संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उस तत्व की संयोजकता होती है। तो हम यहाँ पर संयोजकता की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा हाइड्रोजन है, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, और हमारी जितनी भी क्षार धातु हैं तो क्षार धातुओं के भी लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो सभी क्षार धातुएँ हैं उनके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और हमारा हाइड्रोजन है उसके भी अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वह 1 है और क्षार धातुओं की 1 है, तो इसे यानी हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखना उचित है। अब हम बात करें एक और हम बात इसकी संयोजकता की बात, यानी संयोजकता यहाँ पर क्या है 1s2 की। अब दूसरा तीसरा पॉइंट हम देखें, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। यानी देखें हमारे ये जो हाइड्रोजन है वो है धनायन बना लेता है। धनायन का मतलब होता है कि ये अपने संयोजी कोष में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना सकता है। तो जैसे हमारा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के संयोजी कोष में से हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एच पॉजिटिव, और हमारा ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। तो ठीक तरह ये हमारे सारे तत्व हैं, जैसे बात करूँ अभी एन ए की केवल सोडियम की, तो सोडियम भी अपने अंतिम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एन ए पॉजिटिव बनेगा या इसी तरह हमारा ये पोटेशियम है यह भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये के पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, यानी
ये जितने क्षार धातु हैं वे सभी अपने अंतिम कोष में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या बनाते हैं, धनायन। तो हमारा हाइड्रोजन भी धनायन बना लेता है, इसलिए हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे हम बात करें ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। तो क्षार धातुएँ होती हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्लस वन होती है। कितनी होती है? प्लस वन। और हमारा हाइड्रोजन है उसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस वन होती है। तो इसलिए जो हमारा हाइड्रोजन है इसे क्षार धातुओं के साथ रखना उचित है। अब हम बात करेंगे किससे समानता, यानी हाइड्रोजन की हैलोजन से समानता क्या है। यानी अभी हमने चर्चा की कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में क्षार धातुओं के साथ रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है वह क्षार धातुओं के विभिन्न गुणों से समानता रखता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। हाइड्रोजन और क्षार धातु दोनों में ही समान होती है। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन को हैलोजन परिवार के तत्वों के साथ क्यों रखा है। तो हैलोजन में देखेंगे कौन कौन से तत्व आते हैं। हैलोजन में हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। यानी सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है हमारा ब्रोमीन, फिर आता है हमारा आयोडीन, और फिर आता है हमारा एस्टेटीन, 55 एस्टेटीन। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इनका और हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इसके ऊपर है तो देखेंगे हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। अभी बताया था हम इसका लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 1s1। ये किसका है? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम बात करें इसकी हैलोजन वाली। तो सबसे पहले क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ पे 2p यहाँ पे 5 रहेगा, 2p5, 1s2, 2s2, 2p5। अब 17 का लिखें क्लोरीन का, 1s2 और 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ये अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। और इसको अपना कोष पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा एस कक्षक है, एस कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इस एस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन कब पूरे होंगे? जब इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं पी कक्षक है, यहाँ पी। तो पी कक्षक में अभी पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमें चाहिए इतना, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। या हम ऐसे दूसरे शब्दों में हम कहें, जैसे बोरवरी के नियम के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, 1, और फ्लोरीन का कितना हुआ, 2.7, और क्लोरीन का क्या हुआ, 2.87। अब हमारे जो पहला कोष है यानी के, फिर एल, फिर एम और एन। तो के कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर के कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 8, लेकिन यहाँ पे कितने, 7, यहाँ पर भी 7। तब इसको अपना पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 1, और इनको अपना पूरा करने के लिए भी 1 चाहिए। तो इसका मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समानता रख रहा है। यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपने को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और हमारे हैलोजन परिवार के तत्व हैं उन्हें भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, संयोजकता की बात करें तो हमारा जिस तरह से क्षार धातुओं के साथ संयोग किया था उसी तरह हमारे हाइड्रोजन है वह हैलोजन
हेलोजन से यदि संयोग करता है तो हेलोजन परिवार के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 1। और हमारा जो हाइड्रोजन है उसकी भी संयोजकता 1 होती है। इसके अलावा अन्य इसकी प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग कर रेडाइन बना लेता है और हमारे हेलोजन हैं वे भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर रेडाइन बना लेते हैं। तो अब आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसे पीरियोडिक टेबल में इसे 2 स्थानों पर क्यों रखा है, यानी क्षार धातुओं के साथ क्यों रखा है और उसे हेलोजन के साथ क्यों रखा है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।